हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव से स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि आज से जो है आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, और इस न्यूमेरिकल की सीरीज में आपके पिछले 3 साल में पूछे गए सभी न्यूमेरिकल इंक्लूड रहेंगे। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन ऐसा है जो पिछले 3 साल से लगातार पूछा गया हो और इस बार आपको ना बताया गया हो या डिस्कस ना किया गया हो या गलती से छूट गया हो, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन छूट गया है, इसको भी बता दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा भी जितना अधिक से अधिक हो सकता है आप लोग खुद से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। जितना अधिक से अधिक आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल की सीरीज पहले चैप्टर से हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको आप बारी बारी देखते जाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, 5×10³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार समतल पृष्ठ वाई जेड तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो 30 अंश के कोण पर वो जो है कितना वैद्युत फ्लक्स जो है उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहा है आई कैप यानी एक्सिस की बात किया, तो तीनों एक्सिस आप बना लीजिए, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक। एक्स वाई जेड वैद्युत क्षेत्र कितना है, वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन, इक्वल टू है 5×10³ आई कैप। तो ये होता है आपका आई कैप, इधर इधर होगा जे कैप और इधर आपका होगा के कैप, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यानी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में आपका क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल वाई जेड एक्सिस में है, यानी इस एक्सिस में एक समतल है जिसकी एक भुजा वर्गाकार समतल है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये इस तरीके से कोई वर्गाकार समतल है, इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर एरिया देखोगे तो कितना हो जाएगा, साइड यानी ए कितना दिया 10 सेंटीमीटर, इसको तुरंत मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 10×10^-2 मीटर। तो अगर आपका भी सपना IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर IIT JEE, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको लाइव पढ़ाएंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपका पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको अलग से एक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, और जो भी डाउट आएगा आप इंस्टेंट पूछ सकते हैं, और आपको कहीं भी स्टडी मटेरियल के भटकना नहीं पड़ेगा, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जो IIT JEE के कई टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। यहां पर आप लिस्ट देख सकते हो कि आपको कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप 2021-22-2023 जिस भी ईयर में JEE मेन से एडवांस दोगे आप इनरोल कर सकते हो, आपके लिए बैचेस चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, 28 फरवरी तक आपको सभी कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 10% डिस्काउंट पाना चाहते हो shubham@12 यूज़ करोगे, आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्षेत्रफल एरिया A=2 कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, तो इसका वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 10×10^-2 मीटर का होल स्क्वायर, तो इसका करोगे कितना जाएगा, 10^100 और इधर × 10^-4 मीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, 1×10^-2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैसे सॉल्व किया गया, हम 100 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखिएगा, 100 को लिख सकते हैं 10^2, ठीक है, 10^2, 10^2 का मतलब 10×10 यानी दो बार लिखा जा सकता है, तो वही यहाँ पर पावर है, ठीक है। और यहाँ पे पावर -4 है, और इसकी जगह 10^2 लिख सकते हैं, इसकी पावर +2 है, ठीक है। तो -4 और +2 मिलकर कितने हो गए भाई, -4 में से +2 माइनस को कितना आया -2, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई, एरिया मिल गया, ये मिल गया, सब कुछ मिल गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि ये जो तल है आपका, ये वाला बोर्ड के ऐसे जेड एक्सिस बोर्ड के तल के लंबवत ऐसे बाहर की ओर आएगा, और ये जो आपका प्लेन है इस तरीके से, तो इसके साथ वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर, इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में कार्य करेगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में कार्य करेगा। तो इसके क्षेत्रफल वेक्टर के साथ वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बन रहा है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप नॉर्मली इस केस में अगर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स निकालना ना, तो वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए, ई डॉट ए, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू 5 × 10³, ए की वैल्यू 1 × 10⁻², ठीक है, सॉल्व करोगे कितना जाएगा, 5 × 10 या सीधे सीधे 50, ठीक है। मात्रक क्या बनेगा, हमने कहा अगर आपको मात्रक नहीं पता है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपको गिवेन है उसको मात्रक के साथ लिखो। तो क्या गिवेन है, वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या दिया हुआ है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, ठीक, ये इसका मात्रक हो गया। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, सीधे यहाँ पे लिखो, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलम, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 5 Nm² / कूलम, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये तो निकल गया। अब इसी में दूसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहा, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि यदि पृष्ठ का तल, यानी ये जो पृष्ठ है, ठीक है, इसका तल एक्स अक्ष के सापेक्ष 30° का कोण बनाए, ठीक है, यानी इसको 30° के कोण पर रख दिया जाए, तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो जब आप इसको, तल को एक्स अक्ष के सापेक्ष 30° घुमाएंगे, तो इसका नॉर्मल वेक्टर भी इसके साथ 30° घूमेगा, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर यानी क्षेत्रफल वेक्टर ए और वैद्युत क्षेत्र ई के बीच कितना कोण बनेगा, 30° का, थीटा बराबर कितना आएगा, 30°, ठीक है, क्लियर। तो अब वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी कि ई ए कॉस 30°, ठीक है। ई की वैल्यू 5 × 10³, ए की वैल्यू 1 × 10⁻², कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक, इसको सब कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 10⁻², और 10⁻³, तो कितना आ गया, 10, और 5 × 10 कितना हो गया, 50, 50 को 2 से भाग करोगे आ जाएगा 25, तो 25√3 Nm² / कूलम, इतना आपका वैद्युत फ्लक्स आएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आप NCERT की बुक उठा के देखेंगे तो यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ यहाँ 30° घुमाने की बात की है, वहाँ पे 60° की बात की गई है, ठीक है। तो जहाँ 30 है, 30 की जगह आप 60 रख दोगे तो वैल्यू जो है 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 1/2 रखोगे तो 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन गलत सॉल्व किया गया, ठीक है, बात कर रहा घुमाने की 30° और वैल्यू पुट कर रहा 60°, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, इसको, तल को आप जितना घुमाएंगे उतने डिग्री आपका नॉर्मल भी घूमेगा। और ये देखिए, इस तरीके से कुछ हम घुमा के आपको दिखा देते हैं, ये आपका क्या है, तल है, ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर है, तो जितना ये घुमाओगे उतना, तो देखिए क्षेत्रफल वेक्टर इसके साथ 0° का कोण बना, इसको आप 30° घुमाएंगे तो ये भी तो 30° घूमेगा, जितना इसको आप घुमाएंगे तल को उतना ही आपका अभिलंब भी घूमेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, तब तक आप लोग इसको पढ़िए, हम इसको मिटा लेते हैं तब तक, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, अगर समझ में आ रहा हो तो सॉल्व करिए, नहीं समझ में आ रहा हो तो कॉपी पेन लेके रुके रहिए। ठीक, क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, दो बिंदु आवेश -9 कूलम और
दो बिंदु आवेश प्लस 9e एंड प्लस ई, ठीक है, ये दो बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर स्थित हैं? 16 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो इधर मान लेते हैं प्लस 9e और इधर मान लेते हैं प्लस ई, ठीक है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ पर रखा जाए कि ये संतुलन की अवस्था में रहें, ठीक है। तो इनके बीच जो है हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा आवेश Q मान लेते हैं, यहाँ कहीं पर रखा जाए जिससे ये संतुलन की अवस्था में रहे। ये किस कंडीशन में रहे? संतुलन की, ठीक है। क्यों भाई संतुलन में? क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज पहले से ही रखा गया है प्लस 9e, ठीक है, और एक चार्ज और हम रख रहे हैं, तो ये चार्ज इस पर क्या करेगा? रिपल्सन फोर्स लगाएगा, यानी सेम चार्ज हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो यानी ये इसको इधर ढकेलेगा, ठीक है, और इधर भी आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको इधर ढकेलेगा, तो यानी एक आदमी को इधर से भी धक्का दिया जा रहा, उधर से भी धक्का दिया जा रहा, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा? उधर जाएगा, उधर वाला धक्का देगा तो इधर आएगा, है कि नहीं आएगा? लेकिन अगर दोनों तरफ से फोर्स बराबर हो जाए, दोनों तरफ से फोर्स बराबर हो जाए, तो वो आदमी क्या होगा? ना इधर मूव करेगा ना उधर मूव करेगा, यानी संतुलन बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा लीजिए कि मान लीजिए हम इसको जो है यहाँ से एक नाम दे दीजिए ए बी, ए से एक्स सेंटीमीटर की दूरी पर इसको रख देते हैं, ठीक है। तो एक्स, ए से एक्स सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर ये बैलेंस कंडीशन में आ जाता है। तो अब इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल और इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी पॉइंट ए के द्वारा एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बी। यही आपको क्या करना है? यूज करना है, ठीक है। तो बल एफ इक्वल टू फार्मूला होता क्या भाई? एफ इक्वल टू क्या होता है? वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्यू वन का मान ये हो गया, क्यू टू का मान ये हो गया, तो इधर रखिए एफ ए वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट 9e, ठीक है, और इधर है क्या? प्लस क्यू बटे बीच की डिस्टेंस कितनी है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ बी कितना हो जाएगा? ये और ये वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है? क्यू, इधर आवेश कितना? ई अपान बीच की दूरी टोटल कितनी थी? 16, ये इतना एक्स, तो ये इतना कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स, क्वेश्चन में दिया हुआ ना 16 सेंटीमीटर, तो ये 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ चीज़ें कट रही हैं उसको काट दो, ये इससे कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा कितना? 9 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बचा? 1 अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर गुणा करोगे कितना जाएगा? 9 × 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, 9 × 16 का वर्ग करोगे कितना जाएगा? 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 × 32, 32 × 64, ठीक है, नहीं 16 × 32, ठीक, 32x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उस x को इधर ले आओ, उस x को उधर ले आके क्या करो? सॉल्व करो, द्विघात समीकरण बनाओ और सभी लोग सॉल्व करके बताओ x की कितनी वैल्यू आई, ठीक है। यहाँ पे हम रुकते हैं, 5 या 2 मिनट के लिए हम रुकते हैं, आप लोग इसको जो है सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आया, ठीक। हम तब तक बगल में सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए, जल्दी बताइए अपना अपना आंसर। सॉल्व हुआ किसी का? चलिए एक आपको हम शॉर्ट तरीका बताते हैं, एक थोड़ा सा स्मार्ट तरीका बताते हैं, ध्यान से देखिए। इधर देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 बटे एक्स स्क्वायर
इसको लिख क्या सकते हैं, इक्वल टू यही है ना, 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही चीज़ है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/x टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1/16 माइनस एक्स टोटल का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है ना। कोई समस्या, कोई दुख दर्द परेशानी नहीं, नहीं। आगे बढ़िए, तो इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो बचा कितना, 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स, 1/16 माइनस एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आसानी हो जाएगी। इसका इसमें करोगे 16 तियाई 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, ठीक है, 48 माइनस 3x इक्वल टू एक्स, माइनस 3x को इधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, तो 48 इक्वल टू 4x, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4 से इधर भाग कर दो, 12 चौक 48, x इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यानी बिंदु A से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम आवेश Q को रख दें तब ये संतुलन की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, तो रैखिक आवेश घनत्व को हम डिनोट करते हैं लेमडा से, ठीक है। तो लेमडा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो जो चीज़ गिवन है उसको आप पहले लिखिए, और जो चीज़ निकालना है वो अपने आप निकल आएगा, ठीक है। तो जो चीज़ गिवन है उसको देखिए, और जो चीज़ निकालना है उसको देखिए, दोनों के अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला यूज होगा वो आप अप्लाई करो। तो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इक्वल टू दे दिया गया है 10 × 0 × 10⁻¹⁸ कूलाम पर मीटर, ठीक है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, R की वैल्यू दे दिया है 2 सेंटीमीटर। हमने कहा R की वैल्यू किस में होनी चाहिए, मीटर में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि बल की बात थी, अगर यहाँ सेंटीमीटर रख रहे हो वहाँ भी सेंटीमीटर रख रहे हो तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जा रहा था, ठीक है, इसलिए वहाँ पर हमने चेंज नहीं करवाया था। लेकिन यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, जब एक ही चीज़ फाइंड करना होता है तो वहाँ पे आपको चीज़ें चेंज करनी होती है, लेकिन जब कंपैरिजन करने की बात आए, तुलना करने की बात आए, तो वहाँ पर अगर वैल्यू नहीं भी चेंज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय कुछ बातें आप नोट कर लीजिए जिसको ध्यान देना है, किसको चेंज करना, कभी भी जैसे मान लीजिए द्रव्यमान दिया गया है, यानी एम की वैल्यू दी हुई है ग्राम में, ठीक है, ग्राम में दे रखी है, तो इसको आप तुरंत जो है किलोग्राम में चेंज करेंगे। अगर लंबाई लेंथ आपको दे दी गई सेंटीमीटर में, तो इसको हमेशा आप चेंज करेंगे मीटर में, ठीक है, इसको आप हमेशा मीटर में ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमेशा वैल्यू ऑफ हमेशा SI यूनिट में ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आप SI यूनिट में नहीं लिखते हैं तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और अगर वहीं आप सारी वैल्यू SI यूनिट में रखेंगे तो कोई कहीं पे समस्या आएगी ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। R की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, देखिए यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व आपको क्या दिया हुआ है, कूलाम पर मीटर, ये तो बिल्कुल ठीक है, मीटर में है। R की वैल्यू दी हुई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻²⁻ मीटर, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई करिए, निकालना हमें क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला होता है इक्वल टू 1/4π0 2λr, 2λr, ठीक है। ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है किसी अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित रेखीय चालक तार के कारण r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो सब कुछ पता है, वैल्यू रख लीजिए इक्वल टू इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, 2 × λ, लेमडा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 × 10⁻¹⁸, ठीक है, अपान बटे नीचे क्या है, r की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻¹⁹,
माइनस टू। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, न्यूटन पर कूलाम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, जितना भी आएगा देखिए कितना आएगा, टू से टू कैंसिल, ठीक है, नौ दहम नब्बे इन टू, यहाँ बचा टेन की पावर नाइन, यहाँ बचा माइनस एट, और ये माइनस दो है, ये ऊपर जाएगा प्लस दो, कितना हो गया, नाइन्टी इन टू टेन की पावर नौ दो ग्यारह, ग्यारह में से आठ गया तीन, ठीक है, इतना न्यूटन पर कूलाम। या दशमलव को एक अंक और आगे ले आओ तो एक पावर और बढ़ जाएगी, तो नौ गुणे टेन की पावर फोर न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो देखिए कभी भी कोई समस्या नहीं होगी अगर आप चीज़ों को समझ गए क्या दिया है और क्या निकालना और फार्मूला आपको याद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये हो गया नोट डाउन। चलिए ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी में से प्रत्येक पर क्यों आवेश रखा गया है, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ए बी सी डी ये चार कोने हैं, ये एक आपका वर्ग है जिसकी भुजा आपको दी हुई है ए है, ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी है ए, ठीक। इसके कोने पर जो आवेश रखा हुआ है वो सभी पर क्यों आवेश रखा गया है, क्यों, और पूछ रहा बिंदु डी पर जो आवेश क्यों रखा गया है इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो बिंदु डी पर जो आवेश आपका रखा गया है क्यों, उस पर कुछ बल कार्य करेगा। पहली बात तो यह है ए के द्वारा इधर प्रतिकर्षण बल लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये आपका कौन सा बल हो जाएगा, एफ ए डी, एफ ए डी, ए से डी की दिशा में एक बल लगेगा। सी इधर बल लगाएगा, तो सी बल लगाएगा कितना, एफ सी डी, ठीक है, ये बल कार्य करेगा एफ सी डी, ठीक है। बिंदु बी पर रखा हुआ आवेश भी इस पर जो है बल लगाएगा, तो कितना बल लगाएगा, बी डी, इसकी दिशा किधर होगी, बी से डी की ओर, किधर होगी, बी से डी की ओर, इस डायरेक्शन में, ठीक है, बी से डी की ओर होगी, ये आपका हो जाएगा कौन, एफ बी डी, एफ बी डी, ठीक है। तो बिंदु डी पर ये तीन बल कार्य कर रहे हैं, इन्हीं तीनों बल को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, निकालना है। और ये देखिए एफ डी और ए डी, एफ सी डी और एफ ए डी, ये इधर कार्य कर रहे हैं इनके बीच, और दोनों बराबर हैं, और इनका परिणामी दोनों के बीच से होकर जाएगा, तो यानी इन दोनों का परिणामी भी यहीं से जाएगा, ठीक है। इन दोनों का परिणामी अगर हम एफ डैश मान लें तो ये हो जाएगा, तो रिजल्टेंट यानी टोटल बल डी पर कितना कार्य कर रहा है, एफ डैश प्लस एफ बी डी। तो चलिए बारी बारी से निकालते हैं, ये वर्ग है, तो वर्ग की एक भुजा कितनी दी हुई है ए, इसका विकर्ण कितना हो जाएगा वी डी, वर्ग की भुजा ए मीटर, ठीक है, विकर्ण कितना हो जाएगा, जो नहीं जानता हो जान लो भाई, वर्ग का विकर्ण जो होता है भुजा रूट टू, ठीक है, ए अंडर रूट टू मीटर, ठीक है। ए के द्वारा डी पर लगने वाला बल एफ ए डी, एफ ए डी वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, क्यू की वैल्यू सब पे सेम चार्ज रखा हुआ, यानी क्यू वन क्यू टू आपस में बराबर ही बराबर है, क्यू वन क्यू टू बटे आर, ठीक है, बटे आर स्क्वायर, इसके बीच की दूरी कितनी है ए है, तो ए स्क्वायर वैल्यू रख लो, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, ठीक है, तो क्यू वन की भी वैल्यू क्यू है और क्यू टू की भी वैल्यू क्यू है, तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। अगला निकाल लो, सी के द्वारा डी पर लगने वाला बल एफ सी डी, एफ सी डी वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, ये भी क्यू ये भी क्यू, तो क्यू क्यू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बटे इनके बीच की दूरी वही है ए स्क्वायर, समीकरण नंबर दो, ठीक। बल एफ ए डी और एफ सी डी एक ही बिंदु पर लंबवत कार्य कर रहे हैं, एक ही बिंदु पर एक दूसरे से परस्पर लंबवत कार्य कर रहे हैं और परिणाम में बराबर हैं, अतः इनका परिणामी, ठीक है,
एफ और एफ ए डी और एफ सी डी का परिणामी कितना हो जाएगा, एफ डैश माना एफ ए डी व एफ सी डी का परिणामी एफ डैश, ठीक है, एफ डैश। तो एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एफ ए डी स्क्वायर प्लस एफ सी डी स्क्वायर। वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू ये है, दोनों का होल स्क्वायर करो और दोनों बल आपस में बराबर हैं, दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं तो यानी एफ ए डी स्क्वायर प्लस एफ ए डी, दोनों की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो समीकरण एक और दो से दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट टू एफ ए डी का होल स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर में ये बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, एफ ए डी अंडर रूट टू, और वैल्यू रख, वैल्यू रख लो एफ डैश इक्वल टू कितना आ गया, इसकी एक वैल्यू रखो कितना आ गया, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे अंडर रूट टू है तो अंडर रूट टू नीचे ए स्क्वायर, समीकरण नंबर तीन। ठीक ठीक, अब बच रहा आपका एक चार्ज, ये इसके कारण हमने बल निकाल लिया, इसके कारण निकाल लिया, अब इसके कारण इस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, एफ बी डी। तो एफ बी डी कितना हो जाएगा भाई, एफ बी डी वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू गुड़े क्यू क्यू स्क्वायर बटे इनके बीच की दूरी कितनी है, ए अंडर रूट टू, ए अंडर रूट टू। तो ए रूट टू का होल स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और अंडर रूट टू का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, टू ए स्क्वायर इंटू टू। ठीक है, समीकरण नंबर इसको कोई बना लो भाई, समीकरण नंबर चार बना लो। ठीक है, अब बिंदु डी पर कुल परिणामी एफ इजकल टू कितना हो जाएगा, एफ डैश प्लस एफ बी डी। अतः बिंदु पी पर डी पर नेट परिणामी एफ इजकल टू एफ डैश प्लस एफ बी डी। एफ डैश आपका कितना निकल के आया भाई, यहां पे है वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर रूट टू प्लस एफ बी डी कितना है वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे टू ए स्क्वायर। तो जो चीज कॉमन है उसको कॉमन ले लो, जो बच रहा है उसको देखते हैं बाद में। वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉमन है ले लो, ठीक है, दिख रहा है क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहां बचा अंडर रूट टू प्लस यहां पर बचा आपका वन बाई टू। भाई देखिए ये चीज कॉमन निकालने के बाद यहां बचा केवल अंडर रूट टू और यहां बचा केवल टू, तो इसको सॉल्व कर लो। तो टू टू रूट टू प्लस वन कितना आ गया, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर टू रूट टू प्लस वन बाई। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, इतना न्यूटन, इतना न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा, और उसको फिर आसानी से कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, इसको एक बार हम दोबारा समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता हो, आप लोगों को हो कन्फ्यूजन, तो एक बार ध्यान से देखिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है, और वर्ग के भुजा वर्ग के हर एक शीर्ष यानी कोने पर ए बी सी डी पर क्यू आवेश रखा गया है, बिंदु डी पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो बिंदु डी पर कितना बल लगेगा, तो सब पे चार्ज है, हमने कहा जब भी सेम सेम चार्ज होते हैं या अपोजिट चार्ज होते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। अब अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा वो नेचर पर डिपेंड करता है, दोनों चार्ज में सेम है तो रिपल्सन का फोर्स होगा, यानी ये इसको रिपेल करेगा यानी बाहर की तरफ ढकेलेगा। तो ये ए पर जो चार्ज है वो डी पर बल लगाएगा बाहर की ओर इस डायरेक्शन में, सी इस पर बल लगाएगा इस डायरेक्शन में एफ सी डी की तरफ, और ये चार्ज फिर इस पर बल लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक बल तो इधर कार्य कर रहा है, एक इधर कार्य कर रहा है, एक इधर,
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और बराबर हैं, परिणाम में बराबर हैं और एक दूसरे से लंबवत हैं, तो इनका परिणाम इनके ठीक बीचों बीच से जाएगा, मान लिया गया कितना एफ डैश। अब बिंदु डी पर नेट परिणामी कितना हो गया, केवल दो ही बल, एक ये और एक ये, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, एफ डैश निकाला, उसके बाद एफ बी डी निकाला और पूरा परिणामी इन दोनों को जोड़ लिया, यही दोनों तो कार्य कर रहे हैं, वहां जोड़ लिया गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कहीं पर कोई समस्या है कि कोई क्वेश्चन आपसे रह गया हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन छूट गया हो, तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर सेट नंबर इतने का या 2019 या 20 का सेट नंबर इतने का ये क्वेश्चन नंबर इतना सर मिस हो गया, उसको बता दीजिए, तो उसको हम देख लेंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।